नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगे लागू ना होने पर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जगाधरी में निकाली गई विशाल बाइक रैली। अंबाला मंडल आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ किया हथनीकुंड बैराज का दौरा। गुलमोहर अकेडमी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया एक्टिविटी डे। हुड्डा में किया गया रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन। किसान युवा मोर्चा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के चलते जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया व सरकार द्वारा यूनियन की मांगें लागू न होने पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला प्रधान का कहना है कि पिछले दिनों आंदोलन के दबाव में सरकार ने 10 मार्च को यूनियन के साथ एक समझौता किया व हड़ताल खत्म करवाई, परंतु सरकार द्वारा समझौते पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण वर्कर्स में रोष है। जिला प्रधान का कहना है कि सरकार द्वारा कई मांगों पर सहमति हुई थी, जैसे गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियां लागू कराना, आंगनवाड़ी केंद्रों में शहरी केंद्रों को 6,000 रुपये व ग्रामीण केंद्रों को 3,000 रुपये, आंगनवाड़ी सेविकाओं को चौथे दर्जे का कर्मचारी व न्यूनतम वेतन 18,000 लागू करने जैसी अन्य मांगों पर सहमति हुई थी, लेकिन मांगों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वह एक बार फिर लंबे संघर्ष के लिए तैयार होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हरियाणा में आज 11 तारीख का प्रदर्शन है। 8 तारीख को सभी ने अपने 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 माध्यम से जो है सभी ट्रैक्टर ऑफिस और अपने पीओ मैडम को जो है कि आपको नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये जो हमारा आज का प्रदर्शन है, ये हम छुट्टियों के लिए किया हुआ, स्पेशली छुट्टियों के लिए आज का प्रदर्शन है, जो इसकी भीषण गर्मी को देखते हुए जो है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में जो लाभार्थी आते हैं 0 से 6 साल तक के बच्चे, उनको छुट्टियाँ दी गई हैं, लेकिन जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को छुट्टी नहीं दी गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स में जो 6/4/18 को जो लेटर जारी हुआ छुट्टियों का, उसको लेकर सभी वर्कर्स और हेल्पर्स में भारी रोष है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर्स हेल्पर बैठेगी, कहते हैं कि वर्कर्स हेल्पर ने पूरे 15 दिन बैठना है छुट्टियों के दौरान, अगर हम वहाँ पर बैठते हैं तो बच्चे आते हैं, बच्चों को मना नहीं कर सकते, और जबकि राशन, कच्चा राशन देने का जो है लेटर जारी हुआ है, तो कच्चा राशन जब दे रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स 15 दिन का, तो फिर उस आंगनवाड़ी सेंटर में बैठने का तो फ़ायदा ही नहीं है। मेन जो आंगनवाड़ी सेंटर में राशन की ही होती, राशन के ऊपर ही होता है आंगनवाड़ी सेंटर, तो जब राशन कच्चा जा रहा है तो आंगनवाड़ी सेंटर में तो कोई काम ही नहीं रह गया। और रही हेल्पर्स जो है साफ़ सफाई करने का, तो जब बच्चे नहीं, गंदगी नहीं होगी सेंटर में, तो वो एक दिन में साफ हो जाता है सेंटर, तो उसमें रोज रोज करने की तो कोई वो नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे बाकी लाभार्थियों को जो छुट्टियां दी गई हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को भी दी जाए। और दूसरा जो है 10 मार्च को सरकार से जो बातचीत हुई थी सभी मांगों को लेकर, 12 मांगें हमारी थी जो उनको लेकर जो बातचीत हुई थी, उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि उनको आश्वासन क्या, उन्होंने कहा था कि लागू कर दी जाएंगी आपकी सभी मांगें, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 मांगें ही निकल के आई हैं, बाकी सारी हमारी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हैं मांगे। तो हम कहते हैं कि जल्द से जल्द उनका भी लेटर जो है वो जारी हो, नहीं तो इससे क्या होगा कि जैसे हड़ताल पे पीछे बैठे थे ऐसे ही बैठना पड़ेगा मजबूरन वर्कर हेल्पर्स को, और फिर इसमें जो है हमारी तो कोई वो नहीं है, तो इसमें जो है सारी मतलब प्रशासन की ही जिम्मेवारी होगी कि दोबारा से आंगनवाड़ी वर्कर्स को हेल्पर को हड़ताल पे ना आना पड़े। और दूसरा सबसे मेन जो है हमारी, पहले तो छुट्टियों का, और दूसरा ये है कि जल्द से जल्द जो है हमारी हड़ताल के दौरान जो हमारा मानदेय काटा गया है वो तुरंत से तुरंत लागू किया जाए। जगाधरी में निकाली गई विशाल बाइक रैली। विधानसभा अध्यक्ष चौधरी कंवरपाल के नेतृत्व में आयोजित की गई रैली, केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के विकास कार्यों पर की चर्चा। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर मौजूदा सरकार ने देश में जो भी विकास के कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों और विषयों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज एक विशाल बाइक रैली यमुनानगर के जगाधरी से विधानसभा अध्यक्ष चौधरी कंवरपाल के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवक शामिल हुए। यमुनानगर के जगाधरी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष चौधरी कंवरपाल के नेतृत्व में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली जगाधरी शहर के बीचों बीच निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। चौधरी कंवरपाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और सरकार की हर क्षेत्र पर काफ़ी भारी उपलब्धियाँ हैं और लोगों के लिए काफ़ी विकास पर कार्य किया है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाई गई हैं। कंवरपाल ने कहा कि सरकार ने महंगाई को भी कंट्रोल में किया। कांग्रेस के राज्य में महंगाई की दर 10 से 12% थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को कंट्रोल किया और आज महंगाई की दर 4 से 4.5% ही रह गई है। कंवरपाल ने कहा कि आने वाले चुनाव अपने समय पर होंगे और उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में MP लोगों का भरपूर साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा।
सरकार के केंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और उस सरकार की बड़ी भारी उपलब्धियां हैं। हर क्षेत्र में सरकार ने जो काम किया है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, चाहे गरीब के लिए काम करने की बात है, जो 5 लाख का बीमा गरीब आदमी को दिया है इलाज के लिए, और भी जिस प्रकार से मकान बना के दिए गरीब आदमी को, उसका मुफ्त में बीमा 12 रुपये में उसका बीमा करके दिया है उसका, इस प्रकार की जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल किया, हालांकि कांग्रेस तो बहुत शोर मचाई है महंगाई है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जो महंगाई की दर थी वो 10 से 12% थी, और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिनको कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे आर्थिक मामलों के, तो उनके टाइम में 10 से 12% थी महंगाई की दर, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस महंगाई को कंट्रोल किया और आज जो महंगाई की दर है वो 4 से 4.5% है। और जो विकास की बात है, जिनको कहते थे कि नोटबंदी करने के बाद देश तबाह हो जाएगा और GST लगने के बाद देश तबाह हो जाएगा, तो आज वही विकास की जो दर है वो 7.7 है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास की जो दर है वो हिंदुस्तान की है। तो हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश ने प्रगति की और देश का नाम रोशन हुआ है, तो उस सारे विषय को लेकर आज जनता के बीच में हम जा रहे हैं और उसके लिए एक बाइक रैली रखी गई। देखिए, आने वाला चुनाव मुझे लगता है कि पूरे टाइम पे होगा और देश की जनता का पूरा आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अम्बाला मंडल आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ किया हथनीकुंड बैराज का दौरा। मॉनसून के दौरान पड़ोसी राज्यों के संपर्क में रहने की कही बात। पहाड़ों में होने वाली बारिश एवं जून जुलाई माह में आने वाला हरियाणा में मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए अम्बाला मंडल के आयुक्त विवेक जोशी ने यमुनानगर जिला प्रशासन के साथ हथनीकुंड बैराज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मानसून के दौरान संपर्क में रहें और अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसका बदलाव करें ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मॉनसून के पहले नहरों के दोनों तरफ पुख्ता इंतजाम कर लें और ऊपर पहाड़ों से आने वाला वरिष्ठ का पानी जो यमुनानगर के रास्ते करनाल और दिल्ली पहुंचता है वह सुचारू रूप से जल प्रवाह हो। और उन्होंने कहा कि हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण रूप से तैयार हैं और उनको यह निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के दौरान अगर पानी बढ़ता है तो अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों से उनके संपर्क में रहें और अपने आपस में डाटा का लेन देन करते रहें और जरूरी दिशा निर्देश देते रहें। अगर ज़्यादा बाढ़ आती है तो पानी के बहाव को बदलें ताकि बाढ़ से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पूरे मुस्तैद हैं हमारे जो इरीगेशन के अधिकारी हैं और इनको निर्देश यही दिया गया है कि बाढ़ के दौरान अगर पानी बढ़ता है तो उसमें ये अपने जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके संपर्क में रहें और ये अपने आपस में ठीक से वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें और अप्रोप्रिएट स्टेप लेते रहें उनको रोकने के लिए अगर बाढ़ ज़्यादा आती है पानी डाइवर्ट कर दें। गुलमोहर एकेडमी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया एक्टिविटी डे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस प्रस्तुति देकर बांधा समा। जून माह के जन्मदिन वाले सभी बच्चों का मनाया गया बर्थडे। गुलमोहर शैक्षणिक एवं गतिविधि केंद्र में मासिक गतिविधि दिवस बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। पूरे कार्यक्रम को 3 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया जिसमें नृत्य प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं जून माह के जन्मदिन वाले बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी डांस प्रस्तुति से दिया। फिर चक्षु दुग्गल ने तुलोंग ते मलाच्ची गीत पर बहुत बेहतरीन प्रस्तुति दी। सुखम चोपड़ा, अदीवा, शील एवं नित्य ने पाश्चात्य गीतों पर नृत्य का ऐसा समा बांधा कि सब मंत्र मुग्ध हो गए। इसी कार्यक्रम में अरहान, जैन, अरमान, गुरशान, भूमिका, अभिजीत, हितांशु वंश, राणा निहाल, काव्य एवं सरगम का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावकों ने गुलमोहर द्वारा आयोजित कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की एवं कहा कि ऐसे कार्यक्रम से जहां बच्चों का मनोरंजन होता है वहीं बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। कार्यक्रम के अंत में एकेडमी की गतिविधि विभा दुग्गल ने सभी बच्चों एवं अभिभावकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिवम, अनमोल, सजल, जानवी एवं प्रियांशु का विशेष योगदान रहा। Yeah.
एक्चुअली सर गुलमोहर जो है वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है. तो मीन्स वट एवर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्रॉम देयर स्कूल रिगार्डिंग अकेडमिक्स और सिलेबस, तो फ्रॉम लास्ट सम डेज दीज पीपल वर डूइंग द सेम. पर अभी हमने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कुछ दिनों की डांस क्लासेस और बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस इस तरह के प्रोग्राम किए थे. अब जो कुछ बच्चों ने सीखा है उस सबको परफॉर्म करने के लिए, उस सबको एक्सप्लोर करने के लिए वी थॉट कि दैट पिकनिक इज़ द राइट इवेंट एंड दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर दैट. तो वट एवर दे हैव लर्नड इन देयर कैम्प टूडे दे वर परफॉर्मिंग इट एंड मीन्स आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंजॉयड इट. सर एक बच्चे के लिए जो होता है कि एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद टीचर्स आते हैं, उसके बाद आप फॉलो करें तो ट्यूशन टीचर्स भी आते हैं. तो इसमें सर इनका कितना रोल रहता है मेन, उसके बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली सर इफ़ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो इट इज़ मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ चाइल्ड्स लाइफ. एक बच्चा जो होता है वो बिल्कुल एक वेट डो है, एक अच्छे घड़े के समान है. उसको हम किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं. वो बच्चा होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा, वो बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा या एक गुड डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा या गुड डॉक्टर गुड लॉयर बनेगा. दैट इज़ टोटली अप टू द एटमोसफेयर इन विच ही इज स्पेंडिंग हिज चाइल्डहुड. वो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके टीचर्स हैं जो उसको उसके लिए सही शेप दे सकते हैं. जैसे गुलमोहर में हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ट्राई फॉर दैट. अब अगर आप IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वी शुड डू सेम टाइप ऑफ हार्ड वर्क. बस उससे पहले हम बच्चों को ये सिखाते हैं वी मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो दैट एक अच्छा सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो होता है वो जिस भी चीज़ के लिए सामने आएगा, जो भी रोल परफॉर्म करेगा सोसाइटी में, वो अपना बेस्ट देगा. हुड्डा में किया गया रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन. कांग्रेस लीडर सतपाल कौशिक ने पाक रमजान महीने के चलते करवाया समारोह. पाक महीने रमजान के अवसर पर कांग्रेस लीडर सतपाल कौशिक ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया. ये कार्यक्रम उन्होंने अपने निवास स्थान हुड्डा में आयोजित करवाया. कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की. समारोह में सतपाल कौशिक ने कहा कि ये कार्यक्रम सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की दिशा में उनका छोटा सा योगदान है. उन्होंने इतनी गर्मी में भी पाक रमजान के रोजे रखने वाले लोगों की सराहना की. साथ ही उन्होंने पीर साहब एवं अन्य गणमान्य लोगों का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आभार व्यक्त किया. अल्लाहू अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين मैं सबसे पहले तो जो हमारे इस जिला के नहीं बल्कि आसपास के 200-300 किलोमीटर के एक फरिश्ता हैं, जो शांति के दूत हैं हुसैन अहमद साहब, इनका सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि ये पवित्र पाक महीने में रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, इबादत का महीना होता है. इस महीने में इतनी गर्मी में ये इतनी तपस्या करते हैं और उसके बाद हमारे छोटे से बुलावे पर हमारी जो मेहमान नवाजी है, हमारी जो दावत है, उसको ये कबूल करते हैं. मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, फिर खासकर पीर साहब का, सब मेहमानों का. और रही बात जो आपने कहा
कि आप हर साल करते हो, मैं कुछ नहीं करता, ये तो प्रेर साहब पीर साहब की प्रेरणा है जो इन्होंने वातावरण बनाया हुआ है भाईचारे का, कि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाईचारे को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, और जो कुछ ताकतें देश को आज कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं उनको रोकने के लिए एक एक, एक, एक प्रयास है, और हम तो इसी काम में इसलिए लगे हुए हैं कि देश में भाईचारा रहे। और मैं इन सबको रमज़ान की भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो 3-4 रोज में ईद आने वाली है उसकी भी सबको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस देश में शांति रखे। और जो भाइयों ने इतनी गर्मी में इबादत की है, रमज़ान के महीने में इतनी तपस्या की है, इनको इनका फल दे, इनको खुशियाँ दे, ऐसी मैं शुभकामनाएँ करता हूँ इस अवसर पर। और मैं पीर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि मैं पीर साहब जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, ये भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, शांति के दूत हैं हमारे एरिए में, और इनकी जो ये तपस्या है ये बेकार नहीं जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ दोबारा से पीर साहब का, मतलू भज्जी जी का, और भाई का, सादिक जी का, और बड़े जो सादिक जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, राज मोहम्मद जी का, और सब साथ जितने भी साथी सारे हैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और सबको दोबारा से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। तो हमेशा से करते आए हमारे सरकार कौशिक भाई, और ये इसके अलावा भी बहुत जोड़ के काम करते हैं। रमजानुल मुबारक पाक महीना, रोज़े में रोज़ा इफ्तारी पे बुलाना और सब भाइयों को जमा करना, हम वतनों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई सबको मिला के बिठाना, और ऐसे इबादत के मौके पर जिस वक्त अल्लाह ताला इबादत दुआओं को कबूल करते हैं, तो उस वक्त में इनको इसकी ये एक लगन कि सब लोग जमा हों और रोज़ा इफ्तार करें, ये एक इत्तेहाद और इत्तफाक की अलामत है, और इससे महसूस जाता है कि हम सब एक हैं, भाई भाई हैं, और इनका ये कदम बहुत मुबारक है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये इस मौके पर सब भाइयों को जमा करके इस मुबारक काम में हिस्सा लेते हैं और एक भाईचारे का पैगाम देते हैं। हम इनके इस कदम से बहुत खुश हैं, खुदा मुबारक करे, इनको खुशियाँ दे, सब भाइयों को, इनके साथियों को, इनके रफाका को जजाए खैर अता फरमाए। के लिए तो गुजारिश यही है कि हम सब इसी तरह एक दूसरे को अपने करीब करें और भाईचारा कायम करें और नफ़रतों को मिटाएं। हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब इंसान हैं, हम इंसानी रिश्तों को मजबूत करें, और मुल्क के लिए, खासतौर से अपने वतन के लिए हम खुशहाली की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन को, मुल्क को खुशहाली दे, और इसी तरह इत्तेहाद इत्तफाक के साथ रहने की तौफीक बख्शे, और सब लोग हम हिंदुस्तानी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे को फ़रोग दें और एक दूसरे के काम आएं, अच्छे कामों में हाथ बटाएं और हम अपने वतन को आगे बढ़ाएं। किसान युवा मोर्चा ने किया कार्यक्रम का आयोजन, जिले में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए बनाए 13 मंडल। किसान मोर्चा यमुनानगर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान मोर्चा महामंत्री राजकुमार सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में आयोजित बैठक में जिला स्तर पर 13 मंडल बनाए गए। ये सभी मंडल शहर में पौधारोपण को बढ़ावा देंगे। मंडल के सदस्य जगह जगह पौधे लगाकर लोगों को भी वृक्षारोपण का संदेश देंगे। साथ ही ये सदस्य पौधा लगाने के बाद उसकी पूर्ण रूप से देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ लगाकर वातावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकना है। मेरा नाम राजकुमार सैनी, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा हरियाणा। यमुनानगर में जो किसान मोर्चा की जिला बैठक रखी गई है, पूरे हिंदुस्तान में, देश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं इस मंथ। किसान मोर्चा ने हर प्रदेश के अंदर, देश के हर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के हर जिले के अंदर और मंडल स्तर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम करने हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है कि वृक्ष का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। आज वृक्षों की कटाई होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो मौसम का सिस्टम है सारा गड़बड़ा गया है, जिससे कहीं बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कहीं अगर गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस तरह सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें एक जो व्यक्ति है ये निर्णय ले कि मैं अपने जीवन में एक पेड़ लगाऊँ, और ये नहीं है कि पेड़ लगा दिया, फ़ोटो खिंचवाई
और चले गया, ऐसा नहीं है। उस पेड़ को पालना भी है ताकि वो वृक्ष बने। इसी के तहत आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में हमने हर मंडल में ये कार्यक्रम करने हैं 10 तारीख से इस महीने की 20 तारीख तक। उसके बीच बीच में मंडलों के प्रभारी बना दिए गए हैं और जो मंडल प्रभारी बने हैं वो अपने मंडल में मंडल अक्ष को साथ लेके, उस मंडल की टीम को साथ लेके वहाँ पर वो कार्यक्रम करेंगे वृक्षारोपण के। और इसी के तहत एक जिले का जो कार्यक्रम है वृक्षारोपण का आज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं। कारण गाँव में इसका मंडल के हिसाब से है, जगह के हिसाब से है। लक्ष्य कोई ये नहीं होता कि हम जहाँ 1000 वृक्ष लगेंगे तो वहाँ 1000 लगाएंगे, जहाँ 500 लगेंगे 500 लगाएंगे, जहाँ 100 लगना है तो वहाँ 100 लगाएंगे। लेकिन वृक्ष का लक्ष्य से तात्पर्य नहीं है, वृक्ष का ये है कि जो वृक्ष लगाए गए हैं तो वो पेड़ बने, मेन मकसद ये है। वृक्ष तो लगा दें, हम 1000 वृक्ष लगा दें लेकिन वो कल वो जल सूख जाए, उसमें कोई पानी भी ना दे, उसकी कोई सेवा ना करे, उसका फायदा क्या है? हम पेड़ लगाएंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हर मंडल के अंदर, हर गांव के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे। और आज जैसे कार्यक्रम हो रहा है उसमें पेड़ लगा रहे हैं और वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर उसमें पानी देते रहेंगे और उसकी रखवाली करेंगे। इसके साथ साथ जिले के हमारे जो जसविंदर जी हैं, ये भी समय समय पर जहाँ जहाँ वृक्ष लगाए गए हैं वहाँ निर्णय करते रहेंगे। किसान मोर्चा यमुनानगर, आज का हमारे बैठक की मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार जी सैनी, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा थे। और जो मुख्य विषय है वो अध्यक्ष जी ने रखा कि वृक्ष लगाने का, और ये कार्यक्रम हम एक तो जिला स्तर पे कर रहे हैं और पूरे 13 मंडल हमारे जिले में पड़ते हैं, 13 के 13 मंडलों में ये कार्यक्रम करेंगे। और इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हरियाणा सरकार और देश की सरकार ने जो किसान हित में जो निर्णय लिए हैं, जो कार्यक्रम कर रही हैं, उनकी जानकारी भी हम किसानों को दे करके आएंगे। आज हरियाणा सरकार ने जैसे भावांतर भरपाई योजना ले करके आई, वो योजना किसान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। किसान का प्याज अब की बार बहुत अच्छी मात्रा में बिका, जो 2 रुपये किलो या 4 रुपये किलो बिकता था, आज 8 से 10 रुपये किलो और 12 रुपये किलो तक प्याज किसान का बिका है। किसान की गोभी की फसल वो भी भाव अंतर भरपाई योजना में आई है, वहाँ भी किसान ने काफ़ी लाभ उठाया है। और हमारे कुछ सूचना का अभाव है किसानों में, वो हम गांव-गांव जा कर के सूचना किसानों को देंगे कि किस तरीके से पंजीकरण कराना है और कैसे व्यापारी से जे फार्म ले करके सरकार से इस सुविधा का लाभ उठाना। और जो केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना थी, वो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उसका सबसे पहला बिंदु था फसल बीमा योजना। और फसल बीमा योजना भी लेकर के जो सरकार आई वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये सब जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार की हैं उन लोगों को बताना और पौधारोपण करना, ये आज की मीटिंग का विषय था। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।